बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन किचन विद अलीना। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का यहनी पुलाव, और उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले चीज़ें चाहिए। हमने लिया है ऑयल, लिया है 1/4 कप। दो हमने प्याज ले लिए थे, उन्हें हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। धनिया और सब्ज़ मिर्ची है, मैंने धनिया को काट लिया और सब्ज़ मिर्ची मैंने वैसे ही ले ली है। 1 कप हमें दही चाहिए था। चावल चाहिए हैं, मैंने 3 कप चावल लिए हैं, उन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है, धोकर उनका जो पानी था वो मैंने निकाल लिया है। 1 टी स्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है और 1 टी स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 मैंने कटी हुई बारीक बारीक कटी हुई टमाटर ले लिया है। 1 टी स्पून मैंने लेमन जूस लिया है। उसके बाद मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च लिया मैंने 2 टेबल स्पून भरकर, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1 चुटकी, गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, और मैंने ये बीफ लिया है इसको मैंने बॉईल कर लिया है, और ये 1 किलो लिया है मैंने। यहनी मैंने लिया है 1.5 कप, मतलब 1 कप एंड हाफ कप, और साथ में मैंने 3 कप पानी लिया है। चले आए हैं, अब हम बनाते हैं। ये हमने एक पतीला लिया है और अब हम इसमें बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, तो मैंने 1/4 कप लिया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, और इन प्याजों को हमने हल्का ब्राउन करना है। देखिए प्याज जो है हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून वाटर ऐड करेंगे और इसे ढाक देंगे, इसे 1 मिनट तक ढाक देंगे ताकि प्याजों का कलर अच्छे से आ जाए। ये देखिए 1 मिनट हो गया, प्याजों का कलर अच्छे से आ गया। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला और 1 हल्दी, ये सब कुछ हम ऐड कर देंगे इसमें। साथ में ये अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी ऐड कर देंगे। अभी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें अपना ये बीफ ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बीफ पहले से बॉइल्ड है, इसे बस हल्का सा फ्राई करेंगे। ऐड करेंगे जो कि 1 एंड हाफ कप है। मिक्स करेंगे। अब हम साथ में इसके ये 3 कप जो पानी था वो ऐड कर देंगे। बॉयल आने तक पकने देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसे बॉयल आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ गया। अब मैं इसमें ये दही ऐड कर दूंगी। आप जब गोश्त ऐड करेंगे आप तब भी ऐड कर सकते हैं, मैं मतलब पानी डालने से पहले मैं अब ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप बीफ की जगह पे चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें
धो लिया था और अब इनका मैंने जो पानी था वो निकाल लिया है। अब इसे मीडियम आंच पर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता खुशक हो रहा है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे ताकि पानी जो अच्छे से खुशक हो जाए। उसके बाद हम टमाटर रोल ऐड करेंगे, धनिया, और फिर हम इसे नाम पर रख देंगे। ये देखिए पानी बिल्कुल हल्का हल्का सा रह गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, साथ में ये 1 टीस्पून लेमन जूस था वो ऐड कर देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमने 1 टीस्पून इसमें जीरा ऐड कर दिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे। सब्ज मिर्ची और धनिया ऐड कर देंगे। अब इसे कवर कर देंगे मीट और हल्की आंच पर। अब हम इसे दम देने लगे हैं, बिल्कुल आंच लो कर देंगे और इसे 10 मिनट तक नाम पर रख देंगे। हमारे बिल्कुल रेडी हैं, जो हमारा पुलाव था। हम अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजे की बनेगी। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डेकोर कर देंगे ये टमाटर से और धनिया से। तो ये लीजिए हमारी जो पुलाव है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो बीफ पुलाव हमने बनाया था यहनी का, बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही, अगर आप इसमें स्पाइसेस को बढ़ाना चाहें तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं, बट बिलीव मी बहुत टेस्टी बनेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।